तो दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे के करीब। यहाँ पर देख लीजिए, आपको डायरेक्शन दिखा रहा है गोरखपुर राम मंदिर। देखिए 12 किलोमीटर यहाँ से नेशनल हाईवे से आप जाएंगे राम मंदिर के लिए, तो गोरखपुर जो कि उस तरफ जा रहा है रोड, तो वही आपको यहाँ से 12 किलोमीटर राम मंदिर तक लेके जाए। हेलो दोस्तों, देखिए हम आपको जो दिखा जा रहे हैं आज जो कि ये नया हाईवे 330 बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, देखिए ये फ्लाई ओवर भी यहाँ पर चालू हो गया है। तो हम आपको ये दिखाने हैं ये रोड का, जो कि ये रोड का हमको आपको बता दें, तो ये रोड आपको रायबरेली रोड टू अयोध्या का आपको क्या कहते हैं बनाया गया है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हम फ्लाई ओवर पर चढ़ चुके हैं। तो देखिए फ्लाई ओवर का नज़ारा देखिए पूरा, यहाँ पर भाई साहब बहुत ही प्यारा से बनकर तैयार हुआ है ये फ्लाई ओवर। तो इस जगह पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये फ्लाई ओवर के ऊपर देखिए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी देखिए बढ़िया लगा दिया गया है। रोड का बढ़िया देखिए खूबसूरती बनाया गया है। देखिए इस जगह पर देखिए भाई साहब, इस रोड पर तो भाई साहब ओवर स्पीड बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही इस समय पर। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से लगभग ये आपको NH 28 तक हाईवे तक लेकर जाएंगे दिखाने के लिए। तो आप वीडियो में ऐसे तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करने मत भूलिएगा फ्रेंड। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए हम इस समय फ्लाई ओवर से हम नीचे चल रहे हैं, चल आगे भी दिखाएंगे आपको पूरा मार्केट जो कि बनकर तैयार हुआ है और फ्लाई ओवर भी, और एक बनकर तैयार हुआ है जो कि रेलवे फ्लाई ओवर बहुत सिक्स लाइन का तैयार किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से भाई साहब बनाया गया है। तो हम आपको वही दिखाएंगे आगे भी चल के, वहीं से वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड अगर आप अयोध्या चाहते हैं तो आना चाहते हैं तो आप अयोध्या में इस समय जान रहे हैं, अयोध्या भाई साहब पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर जो कि बनाया गया है, राम मंदिर अभी बन भी रहा है। यहाँ पर राम मंदिर किसी का दर्शन करने के राम मंदिर में भाई साहब बाहर से श्रद्धालु भी आ रहे हैं, उनको देखते हुए यहाँ पर लगभग चारों तरफ का जो कि रोड बनाए जा रहे हैं, आने वाले हर रास्ते को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाई साहब अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको कोई असुविधा ना हो, इसलिए जिस जो भी रोड अयोध्या को जोड़ रहा है सारे रोड बनाए जा रहे हैं, जो कि इस समय पर देख रही यहाँ पर अयोध्या में इस ये जो अयोध्या का 330 नेशनल हाईवे ये बनाया गया भाई साहब, बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है, सिक्स लेन है रोड ये भाई साहब। इस रोड पर अगर आपको दिखा तो यहाँ पर आपको अगर रोड के बीच में लगभग आपको टॉयलेट में देखने को मिल जाएगा, आगे जो आप पीछे टॉयलेट देखें यहाँ पर थोड़ा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में एक टॉयलेट की सुविधा भी दी गई इस रोड पर। तो ये रोड बहुत ही भाई साहब VIP बनाया गया है, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया रोड ये। आगे चल रहे हैं भाई साहब, आगे भी दिखाने वाले हैं आपको बहुत ही प्यारा सा फ्लाई ओवर जो कि बनाया गया है, अभी कंप्लीट भी हो रहा है और स्ट्रीट लाइट जो लगाया जा रहा है भाई साहब इस पथ पर, और जो ओवर ब्रिज बनाया गया है फ्लाई ओवर का, वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है भाई साहब, अयोध्या का पूरा मॉडल का लगाया जा रहा है, अयोध्या मॉडल में जो कि वहाँ का इस समय पर आपको आप अयोध्या में आ चुके हैं उसी का प्रतीक आपको दिखाई देगा उस फ्लाई ओवर पर। तो हम आपको वहीं तक लेके चलेंगे, उसके आगे थोड़ा सा लेके जाएंगे। तो आप वीडियो में ऐसे तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक भी करिए, फिर कमेंट जरूर करिए, जय श्री राम। अगर अयोध्या से हैं तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और पूरे लगभग वीडियो हर व्यक्ति तक पहुँचे, लगभग यहाँ अयोध्या में जो कि क्या डेवलप हुआ है, बाहर का भी लोग जाने अयोध्या में कितना विकास हो रहा है इस समय पर। मार्केट की बात की जाए तो ये मार्केट मौक्सी वाला, देखिए आप मौक्सी वाला मार्केट के पास आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे देखिए जो कि इस समय मकान भी कुछ इस मार्केट में आए थे तोड़ा गया है, और मार्केट का देखिए जो कि बनाया भी जा रहा है, बन गया लगभग ये मार्केट। यहाँ पर बहुत ही घनी आबादी थी, तो यहाँ पर देखिए जो कि इस समय पर देखिए दोनों साइड में मार्केट तोड़कर बना दिया गया है, और यहाँ पर देखिए रोड भी बना दिया गया है, लगभग ये रोड बनकर तैयार भी हो गया है। तो यहाँ पर जो कि देखिए पहले के समय में मार्केट जो कि बहुत ही सटीक मतलब जगह कम था यहाँ पर इस जगह पर, आगे इस समय पर देखिए यहाँ पर एक मंदिर भी थी, तो ये मंदिर का भी तोड़ के यहाँ पर देखिए सीधा कर दिया गया, बना दिया गया। अंदर देखिए ये आगे हम चल रहे हैं क्योंकि आपको ये मौक्सी वाला मार्केट से अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो कि हम आपको जो बता रहे थे कि जो फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत जो कि रेलवे का फ्लाई ओवर है, और यहाँ पर देखिए जो कि हम आपको दिखा रहे थे बता रहे थे कि जो स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, लाइट स्ट्रीट लाइट भी देखिए इस समय आपको सामने देखने को मिलेगा। देखिए
इस बीच में देखिए, जो देखिए स्ट्रेट लाइन लगाएगा भाई साहब, कितना प्यारा लग रहा है, चलेगा तो और अच्छा लगेगा। देखिए ये पूरा धनुष के आकार की जैसा ये स्ट्रेट लाइन लगाया गया है, आपको देखने को मिलेगा पूरे हाईवे पे। यही हाईवे में देखिए हम चल रहे हैं, अभी दिखाएंगे पूरा हाईवे भाई साहब। देखिए 6 लेन कितना प्यारा बनाया गया है यहाँ पर, ये हाईटेक 6 लेन बनाया गया है यहाँ पर भाई साहब। जगह जगह पर कैमरे की भी सुविधा दी गई है, आगे LED की सुविधा भी दी गई है, तो वही हम आपको बताएंगे दिखाएंगे अभी आगे चल के। देखिए यहाँ पर देखिए भाई साहब हाईवे पर चढ़ने वाले हैं, ये नेशनल हाईवे 6 लाइन का जो कि हाईवे बनाया गया है। वीडियो में ऐसे यहाँ तक भी बने रहिए फ्रेंड। तो देखिए आप हाईवे का मजा लेने के लिए आप अगर यहाँ आ सकते हैं तो देखिए यहाँ पर भाई साहब आपकी फुल स्पीड पे बाइक जाएगी। लगभग यहाँ देखिए जो भी आपकी बाइक या फुल रन रहेगा 80+ से ही आपकी बाइक यहाँ से निकलेगी। देखिए भाई साहब कितना प्यारा बना गया है हाईवे, पूरा 6 लेन हाईवे देख लीजिए यहाँ से लेकर अभी। तो भाई साहब ये 1 लेन ये चल रहा है, दूसरा लेन अभी बंद हुआ है, थोड़ी सी कम्प्लीट नहीं हुआ है दूसरी लाइन, तो इसलिए अभी उधर का लेन बंद किया गया है। तो यहाँ पर कुछ काम चल रहे हैं इसीलिए बंद किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको चल के दिखाएंगे अभी, ये जो 6 लेन ये बनाया गया है फ्लाई ओवर, देखिए रेलवे का है, देखिए रेलवे जा रही है यहाँ पर, आप वही हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस जगह पर तो आगे अब नेशनल हाईवे NH 28 आने वाला है, तो हम आपको वहीं तक वीडियो में दिखाने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। वीडियो में भी थोड़ा सा और अभी चलेगा, आप अभी इसकी मत कीजिएगा, अभी बाहर में जाइएगा वीडियो छोड़ के, क्योंकि वीडियो में आपको अभी हाईटेक जो कि बता रहे थे LED और कैमरे की जो इस पर लगाए गए हैं, हम आपको अभी वो भी दिखाएंगे और नेशनल हाईवे तक लेके जाएंगे। NH 28 जो कि अयोध्या में जो कि राम मंदिर के लिए जो सीधा अयोध्या में जाता है रोड जोड़ता है, वही हम आपको दिखाएंगे वहाँ तक का वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए जो कि ये इस जगह पे है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से स्ट्रीट लाइट आपको पूरा बहुत ही प्यारी देखने को मिलेगा। देखिए खूबसूरत यहाँ से स्ट्रीट लाइट जो कि लगाया गया है। अब यहाँ से मात्र 500 मीटर हाईवे जो कि राम मंदिर के लिए जो हाईवे जा रहा है अयोध्या में, तो वहीं देखिए वहाँ तक बहुत प्यारा बनाएगा। यहाँ पर देखिए यह कैमरा हाई सिक्योरिटी, उसके बाद देखिए यहाँ LED की जो लगाई गई है, देखिए इस जगह पे भाई साहब दूसरा लेन जो कि बंद हुआ, देखिए बता रहे तो बंद है अभी, बंद ही है अभी, एक ही लेन चालू किया गया है। तो ये हम आ गए भाई साहब अयोध्या जो कि नेशनल हाईवे के करीब। देखिए यहाँ पर भाई तो देख लीजिए यहाँ इस जगह पर भाई साहब प्यारा कितना रोड अच्छा बनाया गया है। तो दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे के करीब, यहाँ पर देख लीजिए आपको डायरेक्शन दिखा रहा है गोरखपुर राम मंदिर। देखिए 12 किलोमीटर यहाँ से नेशनल हाईवे से आप जाएंगे राम मंदिर के लिए, तो गोरखपुर जो कि उस तरफ जा रहा है रोड, तो वही आपको यहाँ से 12 किलोमीटर राम मंदिर तक लेके जाएगा। चलिए हम आपको अब यहीं पर रोक रहे हैं।